पांडे मिश्रा जी अपनी अपनी जगह पे अलर्ट, कोई हरकत नहीं होगी जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा। ओके सर। सॉरी सर, मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए बार बार बीवी का पेजर आ रहा है। यदि आपका परमिशन हो तो मैं 2 मिनट बात करके आऊँ। जाओ, जल्दी आना। All alert. जी सर। टारगेट इसी गाड़ी में है, एकदम तैनात। मोबाइल किसका बच रहा है? बंद करो इसे। सर मालूम नहीं किसकी ये मोबाइल एंटी बच रही है। सर वो गाड़ी टर्न हो रही है सर, पकड़ो से भागे नहीं पाए। इसे कैसे पता चला यहां पुलिस आई हुई है? अरे मोबाइल फोन ये लोग कब से यूज करने लगे? इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम उत्तर भारत माफिया के प्रमुख संचालक सत्तू भैया को ढूंढ रही थी। सुनने में आया था कि सत्तू ना सुनने का आदि नहीं था, जो ना कहता था उसे वो मार देता था। सत्तू लाशों के ढेर पर पांव रखकर जुर्म की ऊंचाइयां छू रहा था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए दिन रात जुटी हुई थी, लेकिन सत्तू हर बार कोई ना कोई चालाकी कर पुलिस के शिकंजे से फिसल जाता था। ये 90 का दशक था, पुलिस तकनीकी रूप से उतनी सशस्त्र नहीं थी। मोबाइल फोन का प्रचलन बस कुछ गिने चुने लोग करते थे। 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी एक आम आदमी के बजट से पूरी तरह से बाहर। सभी ने सत्तू मिश्रा के बारे में सुना जरूर था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो कहां से ऑपरेट करता था। बस पता थी तो एक चीज, आतंक। आम जनता में सत्तू मिश्रा के नाम का आतंक। सत्तू मिश्रा को पकड़ने की ये कहानी तब शुरू हुई जब इंस्पेक्टर विजय कुमार को पता चला कि किसी गैंग ने एक नेता को मारने की धमकी दी थी। कौन सा नेता था ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन धमकी किस गैंग से आई थी ये सब जानते थे। सत्तू मिश्रा की गैंग। सत्तू मिश्रा, अपराध की जगत का वो नाम जिसने इंस्पेक्टर विजय कुमार की नींदें हराम कर रखी। ट्रक कैसे आ गया? तुम साइड में हो। ऑन मारो उसको। निकालो इसके आगे, निकालो। ये कार निकल के दिखाई नहीं पड़ रहा तुम्हें? आगे गाड़ी गई है किसी की, आगे गाड़ी गई है, ब्लू कार गई है। रुको रुको, क्या हुआ? आप लोग आ जाइए। ऑल टीम अलर्ट। नेताजी की गाड़ी पर हमला हुआ है। नेताजी सेफ हैं, उनके सहायक को गोली लगी है। ऑल टीम अलर्ट, नेशनल हाईवे NE पे एम्बुलेंस भेजो। ऑल टीम अलर्ट। ब्लू कार। सर ये सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। पॉसिबल ही नहीं है सर कि इतने नजदीक से गोली चले और निशाना छूट जाए। दयाशंकर को आसानी से मारा जा सकता था। सर मुझे एक बहुत बड़ी साजिश लगी। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से हमें दयाशंकर जी से पूछताछ करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि हमला उनके ऊपर हुआ है। ठीक है, पर जरा ध्यान से, वो अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं। बहुत बढ़िया किया सत्तू भैया, बहुत बढ़िया। चल। अब ये अटैक का पूरा सिंपैथी हमको मिलेगा और इल्जाम जाएगा रूलिंग पार्टी के ऊपर। बड़े काम की चीज हो भैया सत्तू। बड़ा काम की चीज हो।
सर, वो विजय कुमार आपसे मिलने आए हैं। इस वक्त क्या काम हो? शायद कुछ सवालात करने सर। सर हम बता रहे हैं बहुत जिद्दी है, हमने कहा कि आप बिजी हैं तो लगा कमिश्नर का लेटर दिखाने। सर मिलना पड़ेगा आपको अभी। तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। चलो। क्या हुआ विजय कुमार, यहां क्यों आए हो? आप पे हुए हमले के बारे में कुछ पूछताछ करने आया था। ये आपका काम है और मुझसे पूछ रहे हो? ये काम मेरा ही है और मैंने अपना काम कर लिया। जो मुझे जानकारी मिली है बस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमला हुआ है वो आप पे हुआ ही नहीं था, एक नाटक था और इसका सबूत है हमारे पास। जब चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मत भूलिए कि इलेक्शन सर पे है और इलेक्शन हम ही जीतूंगा। हमसे जरा इज्जत से बात कीजिए। इज्जत से ही पेश आ रहा हूं आपसे नेताजी, और आपके सलाह मशवरे को मैं खास ख्याल रखूं। आज के बाद से अपनी ड्यूटी पर और मुस्तैद रहूं, लट निगाहें खुली रखूंगा खास कर आप। सत्तू की दहशत आग की तरफ फैलने लगी। लोग उसके खिलाफ डर के मारे मुंह नहीं खोलते थे क्योंकि उसके सर पर विपक्ष के नेता का हाथ था। और इसी तरह प्रदेश की गुनाहों की मंडी में सिर्फ एक ही नाम गूंज उठा, सत्तू मिश्रा उर्फ सत्तू भैया। उन्हीं दिनों जब यूनिवर्सिटी में किसी का खून हुआ तब छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर विजय कुमार को सत्तू मिश्रा की पहचान का एक हल्का सा सुराग मिला। इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। किसके खिलाफ? कोई सतीश मिश्रा नाम का स्टूडेंट। क्या रिपोर्ट है? सर अभी तक तो यही पता चल पा रहा है कि .32 बोर ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से गोली लगी है। .32? ये गन कॉलेज स्टूडेंट के पास कहां से? सतीश मिश्रा का फोटो मिलेगा क्या? जी। क्या सोच रहे सर? मुझे लगता है ये सतीश मिश्रा ही सब तो मिश्रा। आदमी एक नाम अनेक, सतीश मिश्रा और सत्तू मिश्रा और सत्तू भैया। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्तू मिश्रा एक कॉलेज का लौंडा है? हो सकता है, हो सकता है सतीश मिश्रा ही सत्तू मिश्रा होना भी चाहिए। एक काम करो, कॉलेज के रजिस्टर से इनकी इंफॉर्मेशन निकालो, इसके घर का पूरा पता, वहां जाके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जी सर। देखें कौन है साहब। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारे इलाके में एक क्रिमिनल है जिसका हमें पता तक नहीं और आपके पास उसकी पूरी कुंडली है। वाह कमाल है। जी फिलहाल मुझे एक अच्छी टीम चाहिए उसे गिरफ्तार करने के लिए। आज तो हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है तो एक आदमी भिजवा सकता हूं। एक आदमी? जी। आपको मजाक लग रहा है? तो क्या करें, पूरी फोर्स भिजवा दें उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो हमारे इलाके में है ही नहीं। ठीक है आप मुझे एक ही आदमी दीजिए। नमस्ते। सतीश मिश्रा यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ कोनो सतीश मिश्रा नहीं रहे, हम तो दुबे हैं। ये पता आपको गलत मिला है। नमस्ते। अब तो पक्का विश्वास हो गया है कि ये सतीश मिश्रा ही सत्तू मिश्रा है। नहीं ना मिला किरण।
जनरल। अरे हम पहले कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे इलाके में कोई अपराधी हो जिसका हमें पता ना हो। जी आपने बताया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आपको तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। जी चलो। ये तो पक्की बात है कि सत्तू मिश्रा अपना सारा धंधा इसी इलाके में चलाता है और ये यादव पुलिस की नौकरी नहीं करता बल्कि सत्तू मिश्रा की नौकरी करता है। तो कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। जी सर। सर लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि ये फोटो सत्तू मिश्रा की है। सत्तू मिश्रा तो यही है। एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि ये वो क्या नाम सत्तू को इतना सर काहे चढ़ा लिए हो आप? अरे ज्ञानेश्वर जी एक बार मिलकर तो देखिए, बड़ा जिगर वाला लड़का है सत्तू और काम का भी। अच्छा मिलके सेटलमेंट कर लेंगे। सेटलमेंट? हाँ ये देखिए नाम लिया और बंदा हाजिर। अच्छा तो ये है सत्तू। हाँ आओ भाई सत्तू। ये लो। ज्ञानेश्वर जी माने कि ना माने इस बार रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा हमको भी चाहिए और इस बात के लिए कोनो समझौता नहीं होगा। देखो सत्तू अभी तुम हमारे फील्ड में नए लौंडे हो, बेहतर होगा कि तुम अपने चादर के अंदर ही पैर रखो। तुम हमें जानते नहीं और एक बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ हमारा है और हमारे क्षेत्र में एंट्री मारने का कोनो जरूरत नहीं। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा राज्य है सबाई दबा के खा सकते हैं, पर शर्त सिर्फ इतना है कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। नहीं तो अगर अकेले खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी। अच्छा तो नेताजी इस गवार से मीटिंग कराने के लिए हमको बुलाए थे आप, जिसको ये भी तमीज नहीं कि वो किससे बात कर रहा है। आपको हमारे बारे में मालूम नहीं था क्या? हमारी हैसियत नहीं जानते आप क्या? अरे हम एक बात खुल के तुमको बता देते हैं, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और कल भी मेरा रहेगा। इसको दिमाग में बिठा ले बहुत अच्छे से, समझ में आया? अगला कॉन्ट्रैक्ट हमारे एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। चल भाई। ये तो अच्छी बात है विजय, ये एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को मार डाला, हमारे काम आसान हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है सर, इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसी तरह से सत्तू अगर दूसरे गुंडे को मारता रहे तो उसका दबदबा बढ़ता चला जाएगा और एक दिन सर इतना बड़ा बन जाएगा कि उसे पकड़ना तो दूर से हम मिल तक नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे रोक सकते हैं सत्तू? SPF स्पेशल पुलिस फोर्स सर, सत्तू के बढ़ते आतंक को सिर्फ और सिर्फ SPF के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है सर। तो ठीक, लेकिन विजय ये जो भी तुम कह रहे हो ये इतना आसान नहीं है, मुझे ऊपर तक जवाब देना पड़ेगा। आई नो सर, फिलहाल SPF ही सत्तू को रोकने का एकमात्र तरीका है। कोई सवाल ना कोई जवाब, चिर इंसान। ठीक है, मैं मिनिस्टर साहब से परमिशन लेता हूँ और तुम्हें तब तक इस सत्तू पर कड़ी नजर रखनी होगी। श्योर सर। सत्तू मिश्रा कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था, सरकार पर सत्तू को दबोचने का दबाव बढ़ना लाजमी था, लिहाजा इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सरकार के सहयोग से और एक नए जोश के साथ सत्तू को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी थी। स्पेशल पुलिस फोर्स के तहत इंस्पेक्टर विजय कुमार ने यह ठान लिया था कि वो सत्तू के गुंडा राज को जड़ से मिटा कर रहेगा और इसी लक्ष्य के साथ इंस्पेक्टर विजय कुमार ने उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनके तार कहीं ना कहीं सत्तू के साथ जुड़े थे। हेलो। हाँ खबर पक्की? ओके 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 आ रहा हूँ मैं। पांडे सर। पांडे टीम तैयार करो।
तभी भी खबर मिली है कि सत्तू हाईवे के पास एक ढाबे में आ रहा है किसी डील के लिए। धड़ तो पूछेंगे साले को। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को तैयार करता हूँ। एक मिनट, किसी को बताने की जरूरत नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो शक है हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला हो उससे इस बार धड़ तो पूछना है, छोड़ना नहीं। ओके किसका बच रहा है, मोबाइल किसका बच रहा है, बंद करो इसे। सर मालूम नहीं किसकी ये मोबाइल घंटी बजे सर। ये मोबाइल फोन ये लोग कब से यूज करने लगे। ये तो कमाल की चीज बनाई है, हर दो मिनट में किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल फोन आने से सत्तू की गतिविधियां और तेज हो जाए। ये सब खिलौने मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, कुछ दिन रहेंगे उसके बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता सर ये मोबाइल फोन मार्केट से गायब होने वाला है। आप देख लीजिएगा कुछ सालों के बाद ये हर आदमी के हाथ में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे पास भी ये मोबाइल फोन होना चाहिए। उसका भी मैं इंतजाम कर चुका हूँ। आइए आइए गोविंद जी, आइए बैठिए। शुक्रिया सर। विजय ये गोविंद जी हैं, इन्हें मोबाइल के बारे में काफी जानकारी। अच्छा तो गोविंद जी ये मोबाइल फोन है ये ट्रैक हो सकता है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ट्रैक मतलब ये मोबाइल फोन जिसके पास है उस व्यक्ति के लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है, मतलब मालूम कर सकते हैं वो उस वक्त कहाँ है। जी हाँ लगा सकते हैं। इसका मतलब है ये टैप भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। कितने लोगों के पास ये फोन होगा? मेरा मतलब काफी कम लोगों के पास होगा ना। जी हाँ क्यों? उसका रिकॉर्ड मुझे मिल सकता है? मेरा मतलब उसका नाम उसका पता। मिल सकता है। अरे दया शंकर जी आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। अरे लेकिन संभाल के, SPF बहुत एक्टिव हो गया है और विजय कुमार भी बहुत उड़ रहा है। अरे आप निश्चिंत हो जाइए। तो यहाँ जो कोई भी मोबाइल फोन में बात कर रहा हो धर लो उसको। जी सर। तीन सवाल कर रहे हैं उन सब से जिनके पास मोबाइल है। मोबाइल है? आप लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक फोन करूंगी ना तुम लोगों की वर्दी अभी के अभी उतर जाएगी। ले चलो देखते हैं इनकी पहुंच कहाँ तक है। अरे पर कहाँ? अरे क्यों लेके जा रहे हो? चलिए छोड़ो मुझे, छोड़ो मैडम। अरे पर मानसी कहाँ है? पता नहीं भैया, लोग कह रहे हैं कि मोबाइल फोन रखने वाले को रिमांड में ले रही है SPF। ये विजय कुमार तो गया भाई। कुछ गड़बड़ लग रही है भैया, निकलना चाहिए, डेंजर है। सर हमने पता किया है, मानसी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें सत्तू मिश्रा पढ़ता है और मैडम उसकी गर्लफ्रेंड है। मानसी सत्तू की गर्लफ्रेंड है? जी सर। हाँ गुड। मोबाइल फोन करना भी कोई जुर्म हो गया है सर? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मानसी जी आपको यहाँ मोबाइल फोन रखने के लिए नहीं लाया गया, आपको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि आप सत्तू मिश्रा की गर्लफ्रेंड है। ठीक है अब रिलैक्स, आराम से बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय ठंडा कुछ, कॉफी है? कुछ पूछा ही नहीं।
कोई बात नहीं, आप सत्तू मिश्रा के बारे में जानकारी दे दीजिए, उसके बाद सीधा घर चले जाइए आराम से, है ना? यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अगर मुझे सत्तू के बारे में कुछ पता होता ना, फिर भी मैं कुछ नहीं बताती। मैं सत्तू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सत्तू के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, पता है? वो मुझसे प्यार करता है और बहुत जल्द वो मुझसे शादी भी करने वाला है। मैं किस गलतफहमी में जी रही हूँ? ऐसा वादा दो लड़कियों से और कर चुका है वो। नहीं, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम झूठ बोल रहे हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? दोनों लड़कियां यहीं आई हुई, उनको ही बुलवाया पूछताछ के लिए। जाइए अपने आंख से देख ली, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ले जाओ भाई इनको, बताओ दोनों को यहाँ बुलाया जानकारी के लिए। जाइए जाइए। छोड़ दीजिए मुझे, उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, छोड़िए मुझे। संतु मेरे पति हैं, छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। जब सत्तू को पता चलेगा यहाँ पर लेके आए हो मुझे, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सत्तू मेरा पति है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। सत्तू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मुझे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ मानसी बोलिए। मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे ये सत्तू के सारे प्लान पता है। अच्छा तो क्या प्लान है सत्तू का, क्या करने वाला है वो? वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है, और जिसके लिए उसे 150,000 रुपयों की जरूरत है, और उसके लिए कुछ वो बड़ा करने वाला है। क्या बड़ा करने वाला है? वो तो नहीं पता मुझे, बस इतना ही पता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। सत्तू अच्छा आदमी नहीं है, अगर सब कुछ प्लान है तो बताइए आप। सर सच में मेरा यकीन कीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं पता है। जब तक आपको कुछ पता नहीं चल जाता आप यहीं रहिए हमारे मेहमान बन। सर सर पर मेरी बात तो सुनिए, सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच बोल रही हूँ। सत्तू के प्लान के बारे में मालूम करना पड़ेगा, वो कौन सा बड़ा काम है जो वो करना चाहता है। सर हो सकता है कि मानसी झूठ बोल रही हो, और बिना किसी सबूत के मुस्कुरा की बात पर कैसे विश्वास कर सकते? और अगर वो सच बोल रही हो तो रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त। सत्तू की हर गतिविधि पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और अब तो मोबाइल के जरिए और भी आसान हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो गोविंद जी के पास जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। जाओ आओ भाई, गुड जॉब, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, मुंबई मत जाना, तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। और हाँ तुम मानसी के पास रहो, उसे दोस्ती बढ़ाओ, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लो, बहुत कुछ उगल सकती हो, बहुत जानकारी है उसके पास। हाँ गुड गुड जॉब, चलो। सर वो गोविंद जी का फोन आया था, कह रहे थे कि उनके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है। गुड चलो। जिन मोबाइल फोन्स के रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं और जिन लोगों पर हमें शक है, उन सभी के मोबाइल फोन्स के डुप्लीकेट्स हम चाहिए, और सत्तू के फोन पर भी जो भी फोन करेगा वो सारी बातें हम सुन सकते हैं। गोविंद जी कमाल कर दिया भाई आपने, सारा गेम पलट के रख दिया। इंस्पेक्टर विजय कुमार जानते थे कि सत्तू मिश्रा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। इंस्पेक्टर विजय कुमार की इतनी कोशिशों के बाद भी वो मोबाइल फोन्स की मदद से हर बार पुलिस की गिरफ्त से निकल जाता था, और इसीलिए इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सत्तू मिश्रा को उसी की बाजी में मात देने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट गोविंद जी की मदद ली और सत्तू का मोबाइल ट्रैक करवाया। भारत में भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए मोबाइल सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, और ये पहल इंस्पेक्टर विजय कुमार ने की। लेकिन सत्तू मिश्रा को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि इंस्पेक्टर विजय कुमार उसके करीब पहुंच रहा था। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में क्या इंस्पेक्टर विजय कुमार सत्तू मिश्रा से 2 कदम आगे सोच सकते थे या नहीं। चलो भाई मिश्रा कल मिलते हैं। इधर से आता पत्थर ना, हाँ
सर ये कार मिस्टर सुरेश मिश्रा के नाम रजिस्टर्ड है। एड्रेस है इसका? 4/23 MG रोड दुर्गानेर। उस एड्रेस से विजय कुमार और उनकी टीम ने सुरेश मिश्रा को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सुरेश ने अपना मुंह नहीं खोला और सत्तू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फोन कहां से लाया? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके आए सर। यार तुम इसे क्यों पकड़ के ले? वो तुम्हारा भी है सर, इन लोगों ने भी। कोई बात नहीं, फोन का इसका लो जाओ। तो थैंक यू सर, थैंक यू। इंस्पेक्टर विजय कुमार जानते थे कि सुरेश से उन्हें सत्तू के बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी, इसीलिए इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सुरेश को रिहा कर दिया। वो ये भी जानते थे कि रिहा होते ही सत्तू सुरेश को फोन जरूर करेगा। अगर सत्तू ने फोन नहीं किया तो सुरेश सत्तू को फोन जरूर करेगा। सत्तू मिश्रा की आवाज। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैंने सत्तू को अभी फोन पे बात करते हुए सुना, उसका किडनैपिंग का प्लानिंग है। व्हाट? किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? सर ये तो नहीं पता, लेकिन वो दुर्गानेर में किसी से बात कर रहा था। नाम तो नहीं लिया, लेकिन लगता है किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग शायद। दुर्गानेर? मैं अभी पता लगाता हूँ कि किस बिजनेसमैन की बातें हो रही थी। विजय जी, आप गोविंद जी के साथ दुर्गानेर के लिए अभी निकल जाओ। यस सर। अगर तुमने नहीं बताया तो विजय सर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। तुम जानती नहीं हो उन्हें। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम सब सच सच बता दो। पर मुझे इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है। तुम तो कह रही थी कि सत्तू आएगा और तुम्हें छुड़ा के लेके जाएगा, पर उससे तो तुम्हें फोन तक नहीं किया। एक तुम ही हो जो उसके प्यार में अपनी जिंदगी खराब कर रही है। वो तो कब का आगे निकल चुका है पैसों की जुगाड़ में। अगर उसे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। आप कह दीजिए विजय सर को कि सत्तू बत्रा के बेटे का किडनैप करने वाला है। हेलो सर, सत्तू मिश्रा बत्रा के बेटे को किडनैप करने वाला है। मानसी ने बताया? जी सर। ओके पंडे। जी सर। मानसी ने नकल दिया है कि सत्तू मिश्रा बत्रा के बेटे को किडनैप करने वाला है। फिलहाल हम बत्रा के घर चलेंगे। गाड़ी मोड़ो। ये बत्रा हाउस। मैं बत्रा साहब से मिलना है। वो तो घर पे नहीं है, उनके बीवी और बच्चा एयरपोर्ट गए उन्हें लाने। बत्रा साहब को लाने एयरपोर्ट गए हैं बोले? हाँ साहब। ओके थैंक यू। सिग्नल की ही तो प्रॉब्लम है। गोविंद जी पता चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा लगाइए, दूसरा चक्की। दुर्गानेर चल। पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। हालांकि हमारी पूरी टीम ने उस एरिया को चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन फिर भी वो निकल भागा। पर आप लोग घबराइए नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा। सर मुझे नहीं लगता कि सत्तू दुर्गानेर छोड़कर कहीं भाग गया। लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा जबकि उसको पता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। सर दुर्गानेर उसके घर जैसा है और काफी लोग उसे यहाँ पे जानते हैं, यहाँ तक कि कुछ पुलिस अधिकारी भी उससे मिले। और सत्तू के छुपने के लिए इस वक्त दुर्गानेर सबसे सेफ जगह है सर।
सर मुझे उसकी लोकेशन मिल गई है। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की और वो दोनों मिलने वाले हैं एक होटल में। सत्तू की मोबाइल की लोकेशन क्या? दुर्गानेर की लोकेशन से। दुर्गानेर सर, पिछली बार मेरे हाथ से बच गया था, इस बार नहीं बच पाएगा। छोड़ो नहीं इस बार मैं उसे। और आप बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा सही सलामत घर आएगा। सर चलता हूँ। हेलो। हाँ यादव जी भाई, हमें इलाहाबाद से खबर आई है सत्तू की, तो हम लोग तो इलाहाबाद जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको दुर्गनेर में सत्तू की कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताइए। ठीक है? ठीक है, कर देंगे। हमें पूरे इलाके की जानकारी रहती है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर इलाहाबाद निकलिए। हाँ, अभी यादव सत्तू को इन्फॉर्म करने के लिए फोन करेगा कि हम लोग इलाहाबाद जा चुके हैं और सत्तू दुर्गनेर में उसी घर में छुपा रहेगा। बेफिक्र हो गए, तुम लोग तैयार हो? तुम तैयार? जी सर, सब रेडी है, बस आप ही के ऑर्डर का इंतजार है। मैं और शर्मा सामने बैठकर पत्ते खेलेंगे और बाकी के सब लोग पान के ठेले पर जमा रहेंगे सर। और मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर, देखने इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिश्रा पांडे। जी सर। आने का टाइम हो गया उसका, एकदम आके खुली रखो, चौकन्ना बने। जी सर। कार आ रही है, गाड़ी वैसी लग रही है, लेकिन जब तक मैं नहीं कुछ बोलूंगा कोई एक्शन नहीं लेगा। पांडे मिश्रा अलर्ट। जी सर। ये सत्तू नहीं, जाने दे उसको, कोई और ही है। ओके सर। सब लोग अलर्ट रहना, सब तो आएगा। अलर्ट है सर, अलर्ट, ऑन एंड आउट। सर एक बाइक आ गई है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ बाइक को। तुम्हारे बिल्कुल पास हो। जी जी देख रहा हूँ सर। जब तक मैं ना बोलूं कोई एक्शन नहीं लेगा, समझे? ये क्या हुआ? ये लाइट क्यों ऊपर गई? पांडे तुम्हें दिख रहा है सत्तू मिश्रा? नहीं सर, पूरा अंधेरा है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। मिश्रा तुम्हें? जी नहीं सर। वहीं पे वहीं खड़ा है, हेलमेट उतारा उसने अभी सर से। तुम लोग अंधे हो क्या? सर देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर। मिश्रो वो तुम्हें दिखा है? सत्तू तुम्हारे पास में ही। सर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कान सब खोल के रखो। पढ़ा तुम्हें कुछ दिखा है? नहीं यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा अंधेरे में। एक आइडिया है मेरे पास, तुम लोग यही रहो बिल्कुल अलर्ट। जी सर। सत्तू, सतीश मिश्रा।
सर, बता सबका बच्चा मिल गया है। गुड 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 गुड। एक काम करो, उसे पूरी सुरक्षा में लेके ऑफिस पहुंचो। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा वहीं पे, ठीक है? जी सर, बच्चे को ले चलो। पैदा हुआ होगा तो माँ बाप कितने खुश हुए होंगे इसके। ये मामला इसलिए पुलिस की बड़ी कामयाबी में शुमार है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस ने मोबाइल फोन्स को टैप करके उनका सर्विलेंस करके दहशत के एक बहुत बड़े नाम का अंत किया। इस शूटआउट को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 15 सालों में भारत का सेलफोन मार्केट 1000 गुना बढ़ चुका है। सरकार और अन्य सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 86 करोड़ से भी ज्यादा सेलफोन उपयोग करता है। मोबाइल और इंटरनेट देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन सुविधाओं का गैर कानूनी इस्तेमाल भी करते हैं। एसएसपी विजय कुमार ने तकनीक का इस्तेमाल करके जो पहल की थी, आज उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। आज पूरे देश के लगभग हर जिले में साइबर क्राइम यूनिट है जो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े जुर्म के मामलों पर नजर रखते हैं। जुर्म ने हमेशा हमारे समाज को खोखला करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक विजय कुमार जैसे जांबाज पुलिस अधिकारी हैं, तब तक जुर्म की जीत होना बेहद मुश्किल है। आज का ये एपिसोड हम उन सारे निडर पुलिस ऑफिसर्स के नाम समर्पित करते हैं जो हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। सावधान इंडिया उन्हें सैल्यूट करता है। कल फिर लौटेंगे ऐसी एक बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।